हेलो फ्रेंड्स, एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन। तो जिस बात की हमको बहुत इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से, वो था नीट की काउंसलिंग। तो नीट 2023 की काउंसलिंग के लिए सारा शेड्यूल जारी हो चुका है और नीट 2023 काउंसलिंग 20 जुलाई, मतलब कल से ये प्रारंभ हो रही है। एक बात आप समझ लीजिए जो मैं शुरू में ही आपको कह देना चाहता हूं, बहुत से लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक अलग ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं, अगर आप रिक्वायर्ड मार्क्स से ऊपर हैं, अगर आपका नाम जो ऑल ओवर इंडिया की मेरिट लिस्ट बनी हुई है उसमें कट ऑफ से ऊपर है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर भी मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 400 से ऊपर मार्क्स हैं और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, तो आपको पार्टिसिपेट करना है। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो अनुभव होगा वो बहुत अच्छी तरह से होगा और आपको आगे कभी काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, mcc.nic.in, मैं फिर एक वेबसाइट का नाम बोल रहा हूं, mcc.nic.in, इसको ध्यान रखिए। इस पर जाइए और पहला काम देखिए के सारे शेड्यूल को वहां पर आप देख लीजिए। मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल बता देता हूं, 4 से लगाकर 5 लेवल पर काउंसलिंग होगी। सबसे पहले राउंड 1 होगा, वो ऑल ओवर इंडिया का होगा, जो 15% सीट्स के लिए होगा। और मैं आपको इस वीडियो के पहले ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं काउंसलिंग के सारे वीडियो डालने वाला हूं पर डे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई पेरेंट्स और कई स्टूडेंट्स के लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं और उन सबको एड्रेस करते हुए, उनके एफएक्यूज को ध्यान में रखते हुए, मैं रोज आपके लिए जितना जरूरी है उतना वीडियो मैं शॉर्ट में डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नीट काउंसलिंग के सारे वीडियो आपको मिलते रहें और आप कोई भी गलती ना करें और आपका कम से कम एक राइट पाथ पे चलने से आप मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो राउंड 1 होगा सबसे पहले, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा, उसमें 15% सीट्स के लिए होगा। अब ये 15% सीट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान के हैं और राजस्थान में मान लीजिए मेडिकल की 1000 सीटें, मान लीजिए गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के, तो 15% मतलब 150 सीटों का फैसला राउंड 1 में हो जाएगा जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मान लीजिए आप राजस्थान के हैं और तमिलनाडु की आप सीट में जाना चाहते हैं तो वहां आपको मिलता है, तो 15% सीट में आप वहां भी जा सकते हैं। इन 15% सीट में स्टेट लेवल की जो सीटें उनका तो 15% आएगा, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्स, एफएमसी, जिपमर, इनकी 100% सीट का फैसला इसी फर्स्ट राउंड से होने वाला है। एक बात, दूसरी चीज, जो लोग फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनको हर एक राउंड के लिए फिर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दें तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको कर ही देना चाहिए। क्लियर? हर राउंड में 4 स्टेप चलेगी। नंबर 1, पहली रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपॉजिट कराना है, ये पहला आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एंड फी को डिपॉजिट कराना है। अभी जैसे कल से मतलब 20 जुलाई से जो आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चालू होने वाली है उसका भी 7 डेज का पूरा पार्ट रहेगा, उसको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं आपको, जो कल आपको मिल जाएगा। लेकिन करना यही पड़ेगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको चॉइस और उसको लॉक करने का प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको।
आपने पहले चॉइस को सेलेक्ट करना है, फिर लॉक करने का आपको टाइम मिलेगा, वो लॉक कर दीजिए। तीसरी चीज, आपको अलॉटमेंट होगा सीट्स के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके परफॉर्मेंस जो आपका रैंक ऑल ओवर इंडिया है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर सीट अलॉट होगी। अलॉटमेंट के बाद में कुछ अपलोड करना पड़ेगा आपको, ये तीसरा स्टेप हो गया, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ स्टेप होगा, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिर वहां जाके आपको फिजिकली अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी, और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो राउंड टू में आप अपीयर होंगे, जिसका मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन होने यही वाला है। क्लियर? अब इन सब राउंड के लिए आपके पास जरूरी है रजिस्ट्रेशन के समय और आगे के लिए डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, ये आप तैयार कर लीजिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जी ये जरूरी है, ये आपको सब कुछ इकट्ठा करके आज रख देना है, और रजिस्ट्रेशन करते ही के उसमें आपको फिर बाद में जब मौका है तो अपलोड करना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, ये ऐसी चीजें हैं, आपका फोटोग्राफ, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप कलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड आपका, राइट, ये सारी चीजें, आपके स्कूल की टीसी, ये सब चीजें आप इकट्ठी कर लीजिए। मैं एक बार फिर बता दूं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी स्कूल की टीसी, आपका आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, आपका एडमिट कार्ड जो आपका आपको मिला था उस समय नीट के समय, नीट इकट्ठा कर लीजिए, उसको भी देख लीजिए, कहीं पड़ा हो तो संभाल लीजिए, और स्कोर कार्ड, ये सब चीजें अपने पास रेडी रखिए, और बिल्कुल फाइटर की तरह इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, नेगेटिविटी को हटाइए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे आपके 450 है, क्या करोगे पार्टिसिपेट करके, नहीं ऐसा नहीं है, आप पार्टिसिपेट करिए, करके देखिए, खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। फिर मैं आपको रैंक के हिसाब से भी आपको बताने वाला हूं अगले वीडियो में कि आपको क्या ऑफर हो सकता है। तो अब ये प्राइमरी लेवल पे तैयारी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूं, और mcc.nic.in पे जाके सारे शेड्यूल को देख लीजिए। क्लियर? मिलते हैं फिर नए वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।